नगर निगम भिलाई चरोदा में बुधवार को 6 माह बाद हुई सामान्य सभा की बैठक प्रश्नकाल के दौरान विकास कार्यों को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच हंगामे की भेंट चढ़ी। नगर निगम भिलाई चरोदा के सभापति कृष्णा चंद्राकर की अध्यक्षता में नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। पहले से ही तय 1 घंटे में ही प्रश्नकाल की कार्रवाई की गई। इसके बाद नगर निगम की एमआईसी की ओर से बैठकों में लिए गए संकल्पों पर शासकीय नियम से निर्धारित एजेंडों पर नियम अनुसार चर्चा और विचार विमर्श किया गया। 6 महीने बाद हुई सामान्य सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही, क्योंकि विपक्ष के पार्षद सत्ता पक्ष के पार्षदों को घेरे में लेकर जर्जर सड़क, पानी, पेयजल, बारिश, गड्ढे, जल भराव आदि मूलभूत सुविधाओं को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच विकास कार्यों को भी लेकर काफी बहस छिड़ी रही। वहीं से लेकर निगम महापौर निर्मल कोसरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर व निगम के नेता प्रतिपक्ष राम खिलावन वर्मा ने प्रतिक्रिया दी। सामान्य सभा में प्रश्नकाल का जब भी आयोजन होता है, सम्माननीय सभी सदस्यों को प्रश्न करने का मौका मिलता है और इस परिसर के अंदर सम्माननीय सदस्य लोगों ने अपनी बातें भी रखी और उन लोगों को जैसे उन लोग चाह रहे थे वैसे उनको जवाब भी दिया गया। और प्रश्न उत्तर में रहता ही है, चाहे वो सर्वोच्च सदन हो, चाहे राज्य के सदन हो, चाहे कोई भी नगरीय निकाय का सदन हो, प्रश्नकाल में सम्माननीय सदस्यों के द्वारा प्रश्न किए जाते हैं और शहर सरकार के द्वारा उनकी बखूबी जवाब दिया गया। कि सम्मान सभा में खास मुद्दा ये रहा कि हमारे नगरी निकाय में भिलाई चरोदा में राजस्व की सबसे ज़्यादा कमी है, जिसमें हम अपने लेबर लोगों या अपने इसमें जो लोग काम करें उसको हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसको आवक कहाँ से बनाएं, इसका अहम मुद्दा था। दूसरा मुद्दा है जल में, जल मिशन था जो अभी तक हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। कोशिश करते हैं तो कभी मीटर जल जाता है, कभी ट्रांसफार्मर, तो उसका वजह यह है कि बहुत दूर से पानी ला रहे हैं। दूसरी वजह ये जो पानी ला रहे हैं हम लोग, जहाँ रायपुर में चिंगरी नाले है वहाँ से गंदा पानी आ रहा है, उसके वजह से हम लोग उस मिशन में फेल हैं। तो विधायक महोदय से मांग भी किए हैं कि मोरी जलाशय से आप दो। तीसरा मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग की कोई सुविधा नहीं है। अभी तक ट्रेनिंग हम लोग जितने साल से यहाँ हैं, सभी पार्षदों को मांग था कि कहीं हम लोग भी ट्रेनिंग में जाएं, जैसा रायपुर नगर निगम, दुर्ग नगर निगम, ये लोग कहीं कहीं गए हैं, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कहीं हम लोग भी उसकी प्रशिक्षण लें और हम लोग भी उसमें सुविधा प्रदान हो। और तीसरा मुद्दा ये है कि हम लोग राजस्व कहाँ लाएँ। राजस्व तो उसके लिए एक अहम मुद्दा ये हुआ कि जो लोग कब्जा किए हुए हैं ज़मीन यहाँ जो वर्षों से हैं, उसको हम लोग ऑक्शन में या निविदा पद्धति अपनाएं और उसको बेचें, जिससे राजस्व आएगा तो हमारी निगम में पैसा आएगा, ये हम लोग चाह रहे हैं। सामान्य सभा की इस बैठक में निगम के पार्षदों सहित निगम आयुक्त व निगम के अधिकारीगण और स्थानीय निवासी शामिल रहे। इसी न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।